सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार। आज हम अपने चैनल पे फिर से एक कहेंगे जो अद्भुत मुर्रा, जो हमने पहले भी वीडियो डाली थी, बहुत बड़े आर्डर की भैंस थी और आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया चैनल पे उस भैंस की वीडियो को। आगे इस जोटी के बारे में डिटेल से पूछे, उससे पहले मैं कहूँगा जो भी पशुपालक आज हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आगे हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। लगातार हमारा प्रयास है कि एक आम किसान के घर से जो हम आपको पशु दिखाना चाहते हैं उसमें जो बीच में ब्रोकर सिस्टम है उसको ख़त्म करके और सीधा दलाल की बजाय एक आम पशुपालक से ही आपको मिलवाया जाए। अदर स्टेट जो बायर हैं पशु लेने हरियाणा में लगातार आ रहे हैं, उनके लिए हम कहेंगे कि जो हम दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं उसमें आप लोगों की सपोर्ट को देख के काम करने का मन बढ़ता है। आगे हम इस जोटी के बारे में डिटेल से पूछते हैं भाई से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब अपना शुभ नाम क्या है? भाई हरेंद्र सांगवान। हरेंद्र सांगवान, गाँव कौन सा है? गाँव की काढ़ा भाई। तहसील? तहसील चरखी दादरी। जिला भी चरखी दादरी। तो अभी जो कैमरे के सामने जो आपकी जो भैंस है ये कौन से ब्यांत में भाई साहब? ये भाई तीसरे ब्यांत की है। तीसरे ब्यांत की। तो पीछे इसके मिल्क रिकॉर्ड है वो क्या रहे हैं पिछले दो ब्यांत में? इसका भाई पिछली बार का 25 से 700 है, 25 किलो 700 ग्राम। 25 किलो 700 ग्राम कहीं रिकॉर्ड करवाया था है? रिकॉर्डिंग करवाई थी ना भाई, मैं तो लेकर आया हूँ, बाकी देखा बाड़ा है। अच्छा, जो पिछले ग्राहक के जो बायर था जो उसके घर पे आपने दूध देखा हुआ है? तो देखिए काफ़ी शानदार अडर क्वालिटी की भैंस है। अभी कितना टाइम हो गया भाई साहब बच्चा दिए? भाई 9 दिन हो गए। 9 दिन। साथ में बच्चा क्या है? साथ में कटड़ा है। इसके साथ में ये मेल काफ है और लगातार जो पशुपालक हैं उनकी डिमांड थी कि अच्छी मिल्क लाइन की भैंस दिखाएं, क्योंकि अच्छे पशु पे पेमेंट इन्वेस्ट करने के काफ़ी बेनिफिट हैं, उससे हम अच्छे काफ तैयार कर सकते हैं आने वाले टाइम में। और हम चाहते हैं कि हमारे वीडियोज़ के एवज से हर घर में 20 किलो दूध की भैंस हो, क्योंकि 10-12 किलो दूध की जो आज यूपी पंजाब और गुजरात में है उससे जो पशुपालक हैं वो अपना जो अमूमन लागत है वो भी पूरी कर नहीं पाते। तो देखिए इतना बड़ा आर्डर देखने में ही बनता है। तो भाई साहब अभी प्रेजेंट में मौके पे कितना दूध तैयार है? प्रेजेंट में भाई 19 लीटर दूध तैयार है 9 दिन की ब्याई में। 9 दिन की ब्याई में 19 किलो दूध तैयार है। एक बार इसको खोल के थोड़ी चला के दिखाओ। आर्डर की बनावट है काफ़ी HF गाय की तरह, बिल्कुल खुला आर्डर है बाहर की तरफ निकला हुआ। जो पीछे के थन हैं वो हम कहेंगे जोटी के बिल्कुल अलग बाहर निकले हुए हैं। टेल कुछ ही इंच वाइट है और इसके जो सींग है उसकी पोली है वो उतरी हुई है, बाकी कहीं से भी अगर हम कहें तो किसी तरह का कोई नोक झोंक नहीं है, बस सींग की थोड़ी उदासी है, बाकी प्योर मुर्रा की जोटी हम इसको कहेंगे। ले आओ अंकल जी, ये देखिए बिल्कुल खुल के, क्योंकि पशु जब खुल के चलता है तो उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके सारे करेक्टर हैं वो दिख जाते हैं। कई बारी पशु खोल के नहीं चलाते, लंग वगैरह करना लग जाए तो उसमें फिर अगला इन्वेस्ट करता है पैसे, और कोई भी किसान ही भैंस लेगा क्योंकि हम कोई ज़्यादा पैसे वाला है वो भैंस नहीं, एक आम फार्मर ही भैंस रखेगा। तो भाई साहब अभी जो प्रेजेंट 19 किलो दूध दे रही है भैंस, उसमें आप इसको फीड में क्या दे रहे हो? भाई फीड में खड़े, हाँ, चना की चूरी और चोकर। खड़े चने की चूरी और चोकर। हाँ। और अभी आपको इसका जो बेचने का विचार है उसमें रेट वगैरह क्या रखा है भाई साहब इसका? भाई बेचने का विचार है, जब कोई आके पूछेगा, अब इसके 19 लीटर दूध तैयार है। अच्छा अच्छा, मान ले कल नया और कुछ बताती है। हाँ हाँ हाँ, उसके हिसाब से किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, आज जो 19 किलो दूध का रेट है और आप 25 किलो दूध के ऊपर उसी रेट में लेना चाहो तो कोई भी पशुपालक नहीं देगा। और आज जो मुर्रा का रुझान है वो आम युवा के कहेंगे कि देखने को अलग से मिल रहा है। भाई साहब अपना संपर्क नंबर बताओ, जो पशुपालक लेना चाहता है वो आपसे संपर्क करें। 86076 82260। तो जो भी पशुपालक भाई से इस भैंस के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहता है वो इनसे संपर्क कर सकता है। और बाकी आपको कैमरे के सामने दिख रहा है जो भी आज मुर्रा है वो विश्व पटल पे फेमस हो चुकी है, और उसके एवज में जो ये हमारे बुजुर्ग और जो नौजवान साथी खड़े हैं वो कैमरे के सामने आपको दिख रहे हैं, क्योंकि एक शौक पैदा हो गया, नहीं तो धीरे धीरे पशुपालन था वो ख़त्म होता जा रहा था। अभी फिर से एक जागरूकता देखने को मिल रही है।
तो जो भी भाई आज हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखें। इन फ्यूचर हम आपको एक से एक उमदा क्वालिटी की भैंस दिखाएंगे। लास्ट में सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।